बात करते हैं अब दिल्ली की राजनीति की। आपको बता दें बड़ी जानकारी इस वक्त लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सियासत गरमा रही है, और वही इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिख दी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, और चिट्ठी में केजरीवाल ने 5 सवाल पूछे हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर 5 सवाल पूछे हैं। केजरीवाल ने चिट्ठी के जरिए पूछा कि जिस नियम के जरिए आडवाणी जी को 75 पार रिटायर किया गया, क्या वो नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा? ये बड़ा सवाल यहाँ पर। तो आप देखिए चिट्ठी लिखी गई मोहन भागवत को, लेकिन निशाना यहाँ पर साधते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और आपको बता दें इस चिट्ठी में ये सवाल किया गया, सीधे तुलना कर दी गई कि आडवाणी जी को अगर 75 पार रिटायर कर दिया गया तो क्या नियम मोदी जी के लिए लागू नहीं होता है। अब देखना होगा कि इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया आती है, प्रधानमंत्री की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया आती है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जेल से बाहर आने के बाद सक्रिय है, और इसी कड़ी में उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने किसानों पर कुछ ऐसा बयान दिया जिस पर अब विवाद हो गया है। अंबाला में मनोहर लाल ने कहा कि जो लोग शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं वो किसान नहीं है, किसान का मुखौटा पहने हुए हैं और ये लोग सिस्टम को बिगाड़ना चाहते हैं। तो ये बड़ा बयान मनोहर लाल की ओर से, और हरियाणा विधानसभा चुनावों के दौरान लगातार आप देखिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है, इसी कड़ी में ये बड़ा बयान उनकी ओर से सामने आया है। मनोहर लाल ने कहा है कि जो लोग शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो सभी किसान नहीं है, उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद हो गया है। तो उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि ये लोग किसान नहीं है और किसान का मुखौटा पहने हुए ये लोग हैं जो सिस्टम को बिगाड़ना चाहते हैं।